महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार के साथ अब एनसीपी का अजीत पवार गुट भी जुड़ चुका है। तीनों दलों के मंत्री अब सरकार में शामिल है। इसी बीच आने वाले चुनाव से पहले पावर शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो गई। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के खेमे वाली एनसीपी ने 13 से 15 सीटों की मांग की है। इसे लेकर बीजेपी और अजीत पवार के बीच बातचीत हुई, हालांकि अब तक कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जिसके बाद ही फैसला लिया गया। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई थी। आने वाले कुछ महीनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इस बीच शिंदे गुट वाली शिवसेना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि शिवसेना को कितनी सीटें मिल पाएंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं एनसीपी को 2019 में 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार के साथ अब एनसीपी का अजीत पवार गुट भी जुड़ चुका है। तीनों दलों के मंत्री अब सरकार में शामिल है। इसी बीच आने वाले चुनाव से पहले पावर शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो गई। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के खेमे वाली एनसीपी ने 13 से 15 सीटों की मांग की है। इसे लेकर बीजेपी और अजीत पवार के बीच बातचीत हुई, हालांकि अब तक कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जिसके बाद ही फैसला लिया गया। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई थी। आने वाले कुछ महीनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इस बीच शिंदे गुट वाली शिवसेना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि शिवसेना को कितनी सीटें मिल पाएंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं एनसीपी को 2019 में 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं।